में एक साल से भी कम का समय है और बिहार के घटक दल अपने वर्चस्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। 23 तारीख को होने वाले विपक्षी एकता महासम्मेलन के पहले ही हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेक्युलर ने बगावत का बिगुल बजा दिया है। अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण मंत्री संतोष कुमार सुमन उर्फ संतोष मांझी ने सरकार से इस्तीफा दे दिया है। संकेत ये भी मिल रहे हैं कि मांझी की हम पार्टी पाला बदलकर एनडीए में भी जा सकती है। सोमवार को संतोष मांझी के पिता और हम के संस्थापक जीतन राम मांझी ने संवाददाताओं से बातचीत में अपना असंतोष जाहिर किया था। ठीक है, अब हम क्या है, लोग क्या समझते हैं, उससे कोई मतलब नहीं। मतलब ये है कि हमारे नेता नीतीश कुमार हैं और वही जब इसमें कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं और जा रहे हैं तो सब कुछ है, हम रहें या ना रहें। बताया जा रहा है कि मांझी की पार्टी उन 17 पार्टियों में शामिल नहीं है जिन्हें पटना में 23 जून को आयोजित होने वाले विपक्षी एकता सम्मेलन में बुलाया गया है। मंगलवार को संतोष मांझी ने इस्तीफा देने के बाद मीडिया से कहा कि उनकी पार्टी के जेडीयू में विलय की कोशिशें हो रही थी। एक प्रस्ताव आया था